हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, पर वो जो टॉपिक है उस टॉपिक को मैं शुरू करूं और आज कोरोनरी आर्टरी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगा मेरे एक स्टूडेंट से हु हैज कम टू अस फ्रॉम मध्य प्रदेश। हेलो प्रवीण, हाउ आर यू? प्रवीण, आपको अभी तक यहाँ पर 4 days हो चुके हैं, राइट? आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया। ओके, सो प्रवीण, यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं ऑल इंडिया से, उनका फूड एकोमोडेशन हम खुद अरेंज करवाते हैं, तो फूड एकोमोडेशन के बारे में आप क्या कहोगे? बढ़िया सर, फैमिली एनवायरनमेंट है। ओके, आपको लगता है प्रवीण कि 7 days के अंदर बहुत चेंजेस आए आपके अंदर? यस सर। ओके, लगता है आपको कि आप डेफिनेटली जब आप जाओगे तो जॉब्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने आपको वेल ट्रेंड कर देंगे तब तक? ओके सर, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा हमारे पास इंडिया के अलग अलग कॉर्नर से बच्चे आते हैं और ये टॉपिक्स, वेदर दे वांट टू बी अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दे वांट टू ओपन देयर फार्मा फ्रेंचाइजीज, इवन इफ यू वांट टू ओपन योर ओन इंस्टीट्यूट, यू आर वेलकम हियर फॉर 7 days। एडवर्टाइजमेंट बहुत हो गया दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। सो प्रवीण, आज का टॉपिक समझने के लिए तैयार हो? यस। यू कैन हैव योर सीट प्लीज। यस। ओके, सो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक सीख रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है और उसका जो मेन क्रिस्प टॉपिक है वो है कोरोनरी आर्टरीज। पर पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं इस टॉपिक को शुरू कहां से कर रहा हूं। तो देखिए, मैं आज आपके लिए टॉपिक शुरू कर रहा हूं ब्लड से। देखिए दोस्तों, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे पहले बात मानिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ब्लड बनता किससे है। तो ब्लड बनता है प्लाज्मा से। अब प्लाज्मा है ब्लड में, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ब्लड सेल्स है। ये प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती है तो मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा के अंदर हम बहुत सी गैसेस होती है, जैसे ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। इसके अलावा अगर हम प्लाज्मा के अंदर देखें तो प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सब कुछ मिलाकर, इवन सॉल्ट, वाटर, वेस्ट मटेरियल्स, ये सब मिलाकर प्लाज्मा बनता है। इसके अलावा मैंने सेकेंड पॉइंट बताया आपको, ब्लड सेल्स। हम अच्छे से जानते हैं ब्लड के जो ब्लड सेल्स हैं वो 3 types की होती है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। देखिए मैं स्लोली यहां तक आऊंगा, पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार हर चीज रिवाइज कर लें। RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेन रोल रहता है ब्लड क्लॉटिंग में, हम जानते हैं WBC फाइट करते हैं, राइट? एनिमीज के लिए फाइट करते हैं, राइट? दैट इज WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, और द फर्स्ट वन इज RBC। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये जान लिया कि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, राइट? हम अगले पार्ट पर अगर चलें तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या होता है? हार्ट। और यहां मैंने बहुत से डिजीज लिखी और क्यों होती है ये भी मैं आपके साथ शेयर अप करूंगा। मेन जो टॉपिक है वो टॉपिक हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम ड्रग्स आज इनके लिए बन रही है, जैसे ब्लड प्रेशर, इसके अलावा डायबिटीज जो कि इसी से इन्वॉल्व है। आपने सुना भी होगा स्टूडेंट्स कि 70% चांसेस बढ़ जाते हैं उस डायबिटिक पेशेंट के हार्ट के डिजीजेस से रिलेटेड जो अपने डायबिटीज की केयर बिल्कुल नहीं करते और उनके स्लोली उनके हार्ट को इफेक्ट करता है। तो डेफिनेटली समवेयर दे आर कोरिलेटिंग। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। यहां मैंने अदर वर्ल्ड लिखा स्टूडेंट सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां एक मैं आपके साथ पिनपॉइंट करूंगा एक इंपॉर्टेंट बात और अपनी एक बात पे रिग्रेट भी करूंगा, पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको पहले डिटेल कर दूं। तो देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स, हार्ट द मेन थिंग, राइट? हार्ट एक पंप है, बॉडी को पंपिंग करता है, राइट? और पंप करके वो ब्लड को पूरी बॉडी में देता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हार्ट के अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो हृदय को आप दिल भी कहते हैं, मगर वो स्ट्रक्चर नहीं है। हम इसको इस तरीके की स्ट्रक्चर में लेकर चलते हैं। अब हार्ट के चैंबर्स कितने हैं? तो यहां मैंने हार्ट के चैंबर्स लिखे हैं, राइट ओरिकल, ये आपको RA दिख रहा होगा, ये राइट ओरिकल है। लेफ्ट ओरिकल, ये लेफ्ट ओरिकल है। राइट वेंट्रिकल, ये मैंने राइट वेंट्रिकल लिखा है। लेफ्ट वेंट्रिकल, ये मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल लिखा है। अब देखिए, ये जो 4 chambers है हार्ट के, ये chambers अपना अपना रोल अदा करते हैं। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इससे पहले मैं आपको सारे पार्ट्स के बारे में बता देता हूं। हमने इतना जान लिया कि हार्ट का काम क्या है, हार्ट बॉडी में ब्लड की पंपिंग करता है, यहां तक हम समझ गए। हम चलते हैं हमारे अदर पार्ट में, दैट इज लंग्स। लंग्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप बोल सकते हैं, सर लंग्स का काम है इंप्योर ब्लड को प्योर करना। यहां तक तो समझ गए होंगे आप, राइट? अब हम चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट में, दैट इज आर्टरीज। ये आर्टरीज कहां है, राइट? तो ये आर्टरीज समझने के लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा वेन्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं अपनी बॉडी में आपको दिखाऊं तो ये जो आपको डार्क डार्क दिख रही है ये वेन्स है। हमेशा अपर पार्ट में वेन्स ही रहती है। आपने इंजेक्शन भी सुने होंगे, IM और IV लगते हैं, कभी भी आर्टरीज में इंजेक्शन नहीं लगता।
या तो इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर। मस्कुलर ये वाला पार्ट, ये मसल्स पार्ट है। वेन्स यहां लगते हैं इंजेक्शन या यहां लगते हैं, ये वेन्स होती है राइट। आर्टरीज ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड, ये बात मेरे साथ बोलकर देखिए, आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है, वेन्स ऑलवेज कैरी इनप्योर ब्लड। वेन्स क्या कैरी करती है? इनप्योर ब्लड। आप अच्छे से इस फॉर्मेट को देख लें पहले, आपको अगर समझ आ रहा है तो, और वेल एंड गुड, मुझे उम्मीद है कि आर्टरीज वेन्स सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको अगले पार्ट पे लेकर जाऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी स्टूडेंट्स अपवाद है आर्टरी की। आप कहेंगे सर कैसे? तो देखिए आर्टरीज क्या कैरी करती है? प्योर ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी इनप्योर ब्लड कैरी करती है, तो ऑब्वियस है राइट, एक्सेप्शन बन गई। वेन्स क्या कैरी करती है? इंप्योर ब्लड। आर्टरीज क्या कैरी करती थी? प्योर ब्लड। वेन्स क्या कैरी करती है? इंप्योर। तो ऑब्वियस है पल्मोनरी आर्टरी अगर इसमें एक्सेप्शन है तो वो क्या कैरी करेगी? प्योर ब्लड। यानी कि ये इंप्योर ब्लड कैरी कर रही है और ये प्योर ब्लड कैरी कर रही है, इनकी जो एक्सेप्शन है, जो अपवाद है, वो ये दो है। नाम याद कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए यहां पर तीन बातें हो रही है, वो तीन बातें भी मैं आपको भी समझाना चाहूंगा। वन इज ऑर्टा। ऑर्टा एक आर्टरी है, जैसे मैं आपको कोरोनरी आर्टरी पे लेकर जाऊंगा, मेन जो मेरा टॉपिक है वो ये है ऑर्टा। ऑर्टा क्या कैरी करती है? ऑर्टा कैरी करती है ओवरऑल ब्लड जो उसको बॉडी में देना है, यानी कि प्योर ब्लड कैरी करेगी बॉडी के लिए, कैरी करेगी बॉडी के हर सेल को जो ब्लड पहुंचाएगी वो ऑर्टा ही पहुंचाती है अपने प्रेशर के थ्रू। तो चले हम इस ऑर्टा को डिजाइन देखते हैं कहां है। ये रही ऑर्टा। नेक्स्ट इज सुपीरियर वेना केवा, ये है इंफीरियर वेना केवा। देखो दोस्तों ये जो ओटा है ये एक आर्टरी है, यहां पर ये आर्टरी है, ये जो वेन्स है दो, ध्यान से देखिए सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा, ये दोनों वेन्स हैं। आर्टरी क्या कैरी करती है? प्योर ब्लड। वेन्स क्या कैरी करती है? इंप्योर ब्लड। तो ऑब्वियस है इन दोनों में कौन सा ब्लड होगा? इंप्योर ब्लड। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? वेन्स है। अब सुपीरियर और इंफीरियर नाम इनके क्यों रखे? क्योंकि सुपीरियर का मतलब है सुपीरियर, यानी कि अपर पार्ट ऑफ द हार्ट, इंफीरियर लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट। हार्ट के अपर पार्ट से जो ब्लड कैरी करके हार्ट को पहुंचाएगी वो कौन है? सुपीरियर वेना केवा। ये ब्लड इकट्ठा करती है, कौन सा ब्लड? इंप्योर ब्लड। इंप्योर क्यों कहा गया ये भी सुन लो, जो भी बॉडी के अंदर ब्लड जाता है हमारे सेल्स उसको यूज करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, फूड न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं, वेस्ट मेटल देते हैं, यानी कि उसमें क्या रह गया? कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मेटल और अदर थिंग्स। ये जो यूजलेस थिंग्स है इसको हम इंप्योर ब्लड कहते हैं। ये इंप्योर ब्लड हार्ट के अंदर इस पार्ट के थ्रू आता है। ये पार्ट कौन सा है? ध्यान से देखिए, ये पार्ट आर ए लिखा है मैंने, यानी कि ये क्या हुआ? राइट ऑरिकल। यहां पर राइट ऑरिकल से ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा बिल्लो। अब देखिए राइट वेंट्रिकल में जाएगा कैसे? तो यहां मैंने दो साइन दिए और यहां तीन दिए, तो ये जो दो साइन है ये शो करता है बाइकस्पाइड वॉल। क्या शो करता है? बाइकस्पाइड वॉल। ये वॉल्स है, आपने सुना होगा वॉल बदले है राइट, सुना होगा कभी ऐसी बात आई होगी सामने। यहां पर तीन यानी कि ट्राइकस्पाइड वॉल, तो यहां तीन वॉल होते हैं, यहां दो वॉल होते हैं। अब ये जो वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया, यहां से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी ये रही और कहां चला गया? ये लंग्स में। लंग्स का काम क्या है दोस्तों? इंप्योर ब्लड को प्योर करना, बिल्कुल इंप्योर ब्लड को प्योर करना। अब प्योर करने के बाद ये वापस से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट ऑरिकल में चला गया। लेफ्ट ऑरिकल के नीचे क्या लगे हुए हैं? ट्राइकस्पाइड वॉल। ये देखिए तीन सिंबल, वो देखिए तीन, ये यहीं को इंडिकेट कर रहा है। यहां से ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद सबसे बड़ा पार्ट होता है हार्ट का, ये ध्यान रखिएगा। आपने कभी सुना होगा हार्ट बीट, हार्ट किधर होता है दोस्तों? आप कहेंगे सर यहां होता है हमेशा लेफ्ट में। नहीं नहीं, हार्ट हमेशा हमारी सेंटर में होता है। हाँ, इसका एक लेफ्ट पार्ट थोड़ा सा इस तरफ होता है, इसलिए हमें महसूस ऐसा होता है हार्ट बीट यहां, यानी कि हार्ट यहां, ऐसा सिर्फ महसूस होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट जो इसका पार्ट है ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है बाकी सब पार्ट्स के, और यहां क्या लगी हुई है? ऑर्टा। और मैंने आपको क्या समझाया था? ऑर्टा पूरी बॉडी को ब्लड देती है, पूरी बॉडी को, हर ऑर्गेन को ब्लड ऑर्टा देगी। अब मेरे को एक बात बताइए कि हमने किडनी में ब्लड चाहिए, कौन देगा? ऑर्टा। और लीवर को ब्लड चाहिए, कौन देगा? ऑर्टा।
अब मुझे बात बताइए, ये जो हार्ट है जो सबको ब्लड पंप कर रहा है, क्या इसको ब्लड नहीं चाहिए? इसको भी तो ब्लड चाहिए। यहां आता है मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और उस इंपॉर्टेंट पार्ट का नाम है कोरोनरी आर्टरी। ये वो आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड देती है, और कहां से देती है? ये हार्ट को ब्लड देती है थ्रू ऑर्टा, इट कम्स इन कोरोनरी आर्टरीज, और कोरोनरी आर्टरीज से ये ब्लड जाता है हार्ट में। तो कल अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हार्ट को ब्लड चाहिए काम करने के लिए, आप कहेंगे हाँ जी चाहिए। हाँ, हार्ट पंप करता है वो अलग बात है, वो उसका काम है, मगर उसको भी तो प्रोटीन चाहिए, उसको भी तो ताकत चाहिए, फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सब कहां से आएगा? ब्लड से। तो वो ब्लड कौन लेकर आता है? वो ब्लड लेकर आता है कोरोनरी आर्टरी। अब मैं जो आपको टॉपिक करवा रहा हूं वो मेरा आज का मेन टॉपिक है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, पर उससे पहले मैं आपको रिग्रेट फील करने वाला था। आपको ध्यान है मैंने आपको टॉपिक दिया था सर्कुलेटरी सिस्टम किसी टाइम में, उस समय मैंने एक्सप्लेनेशन में तो लिख दिया था स्टूडेंट्स कि एक मिस्टेक थी हमसे, पार्ट्स लेफ्ट की जगह राइट हो गया था, पर हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट के अंदर ये बात लिख दी थी। आज मैं आपको रिग्रेट कर रहा हूं कि आप उसको प्लीज चेक कर लीजिएगा, मैंने जो आपको बताया वो वेल एंड फाइन है, अदरवाइज उसके अलावा आप कोई और फील मत करना। अब हम चलते हैं हमारे मेन पार्ट पर, दैट इज कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी क्या है? कल अगर आपसे कोई पूछे, These are the blood vessels that supply blood to your heart. ये क्या है? ये वो blood vessels हैं जो blood supply करते हैं किसको? Heart को. Very right. अब देखते हैं students कि चार coronary arteries कौन-कौन सी है। अब आप कहेंगे सर coronary artery एक थी कि काफी थी? Parts में बढ़ जाती है दोस्तों, कुछ भी नहीं, आगे आ रही है, दोनों पीछे आ रही है, क्या क्या नाम है वो देख लो, मगर दो इसमें से सबसे important है, उन दो के नाम सुन लीजिए। वो दो है right coronary artery, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। मेन लिखा है इसका मतलब कुछ तो कारण है, राइट? मेन पार्ट हार्ट का इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना आपको लेफ्ट वेंट्रिकल, याद है आपको? तो ये मेन पार्ट को भी देती है। नाउ थर्ड नेम ऑफ कोरोनरी आर्टरी इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, एंड द फोर्थ नेम इज लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो हमने कोरोनरी आर्टरी के कितने नेम्स ले लिए? हमने कोरोनरी आर्टरी के फोर नेम्स ले लिए। कौन कौन से? हमने लिए राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। यहां तक का टॉपिक अभी तक हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स कि मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं। देखिए यहां पर मैंने आपके लिए कुछ डायग्राम बनाए, ये डायग्राम्स क्या है, ये स्टूडेंट्स कोरोनरी आर्टरी ही है, और ये जो डार्क डार्क आपको दिख रहे हैं ना 20%, 40%, 60%, ये वो पार्ट है जो हमारी कोरोनरी आर्टरी को फिलअप कर दिया जाता है। किसके द्वारा? चर्बी वर्ड सुना होगा आपने, राइट? चर्बी। ये किस क्या चीज होती है ये चर्बी? देखिए यहां पर ये ब्लॉकेज है, इन ब्लॉकेज को ही मैं दिखा रहा हूं। ब्लॉकेज शुरू कब से होती है? 20 इयर्स से, यानी कि हमें 20 इयर्स के बाद कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि हमारी डाइट क्या चल रही है। बिलो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम कितना भी फैट खाएं नो प्रॉब्लम, बट आफ्टर दैट हमें कंज्यूम करने की या तो पार होनी चाहिए। आपने देखा होगा पुराने टाइम के अंदर लोग बहुत मीठा खाते थे, राइट? पर वो एनर्जी कितनी लगाते थे आपको मालूम है? कितना चलते थे, कितनी साइकिलिंग करते थे, कितनी वॉक करते थे, और वो कंज्यूम होती थी, और जरूरत भी थी उनकी बॉडी को। आज हमारी फिजिकल वर्क बहुत कम होते जा रहे हैं, इसी वजह से हम अगर शुगर ज्यादा खाते हैं तो डायबिटीज होती है, राइट? अदरवाइज आपने कभी किसी रिक्शा फेलो की डायबिटीज देखी? नहीं देखी। इसलिए ये कंक्लूजन है कि डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, ये बीमारियां नहीं है। दीज आर नॉट डिजीजेस, दीज आर डिसऑर्डर्स इन योर बॉडी। So, disorder and disease, there is a big difference. Disease क्या है? Typhoid disease है, dengue disease है, ये सब disease है, dengue, typhoid, और you can say pneumonia, these are diseases. But अगर आप कहते हैं diabetes disease है, heart disease कोई problem है, no, heart disease is कोई disease नहीं है, these are disorders of your life which are created by you. God hasn't told you to eat this, what to eat, it is our own choice. तो देखते हैं हम क्या ना खाएं क्या खाएं, और ये जो टॉपिक है यहां मैं कुछ साइंटिफिकल टर्म्स लेकर आ रहा हूं, शायद आने वाले टाइम में कल डॉक्टर्स के साथ आपको डिस्कस करना पड़े। मेरे जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कल आपको डॉक्टर्स के डिटेलिंग करते समय ऐसे टॉपिक्स क्लियर हो सकते हैं जो मैं दो नए टेक्निकल वर्ड्स लेकर आया हूं, आपके बहुत काम आने वाले, और आप डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर को भी लगेगा यार बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, सब कुछ जानता है, क्या दिक्कत है इसको, तो इंफीरियर ऑटा ए टू जेड सब नॉलेज है इसको। चलते हैं अब हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए दोस्तों यहां मैं आपके लिए कुछ बात लेकर आया हूं, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर आपको किसके नाम से डराते हैं। सबसे पहला हार्ट अटैक,
एरिथमिया। ये एरिथमिया क्या होता है? हार्ट बीट या तो बहुत तेज हो जाना या बिल्कुल स्लो हो जाना, यानी कि रिदमिटिक ना रहना। नेक्स्ट इज एंजाइना, स्ट्रोक, हाई बीपी, सब कॉमन वर्ड्स है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम चलते हैं कि देखिए, एक आदमी अगर बैठा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मगर वो ज्यादा चल रहा है, उसके हार्ट में पेन हो रहा है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब मेरे पेन होता है मैं चलता हूं तो आपको पता है स्टूडेंट्स, वो डॉक्टर के पास कब पहुंचता है? जब उसका 80% ब्लॉकेज हो जाता है, तभी ही उसको पता लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या चला गया, चर्बी। मैंने वर्ड दिया था ना अभी आपको, चर्बी। अब इसको हम टेक्निकली समझते हैं कि ये चीज क्या क्या होती है। दो चीजों का बना होता है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप कहते हैं सर ये कोलेस्ट्रॉल वैसे तो शरीर के लिए जरूरी भी है थोड़ा बहुत, बिल्कुल जरूरी है, मगर अति तो हर चीज की बुरी है। अब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल की सबसे बड़ी बात ये हमेशा एनिमल फूड में मिलेगा आपको, ये कभी भी प्लांट फूड में नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं, आप कहते हैं सर मैं कैशू नट खाता हूं, आलमंड खाता हूं, मैं तो खाओ यार क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सर मैं चिकन खाता हूं, बिल्कुल मैंने आपको बोला ना एनिमल फूड, इवन मिल्क इज एनिमल फूड, गेटिंग माय पॉइंट? So if you think that yes, I am doing good exercise and it is important for me, there is no problem. 1 kg, 2 kg, 3 kg, तब जो रहे पियो ना कोई problem थोड़ी ना, आपने सेहत बना रहे हो। But if you are not doing physical work at all and you are taking all these things, then it is very harmful for your body. चलते हैं कि हम इस चीज को कैसे समझें। तो देखिए यहाँ पर हमने दो word लिए, cholesterol, triglyceride. Triglyceride क्या है? Oil का दूसरा technical या scientific name हम triglyceride दे सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं सिर्फ दो चीजों को आपको कंट्रोल करने के लिए कहूंगा। वन इज कोलेस्ट्रॉल। आप जब विजुलेट में डॉक्टर को डिस्कस कर रहे होंगे ना ये टॉपिक्स, तब आप देखेंगे आपके विजुलेट में कोलेस्ट्रॉल वर्ड लिखा होगा, इवन ट्राइग्लिसराइड वर्ड लिखा होगा, और ये दोनों टॉपिक्स को आप हाईलाइट करते हुए अपनी ड्रग्स के बारे में बताएंगे। 20% जब आपका ब्लॉकेज होता है ना कोरोनरी आर्टरी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको पता भी नहीं लगेगा जब तक 80% रीजन, आदमी वॉक करेगा तभी प्रॉब्लम आएगी, और वॉक में ही पता लगता है, रनिंग तो बहुत दूर की बात है। तो सोचिए कि जब ये 20, 40, 60 है, तब हमें पता ही नहीं लग रहा कि हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो उसका ऑप्शन, उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये कि स्टूडेंट, इट्स अ डिसऑर्डर नॉट अ डिजीज, यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन एक्टिविटीज। आप डे टू डे एक्टिविटीज को सुधार लीजिए, इट कैन इजीली बी गो अप। अब स्टूडेंट्स, एक पॉइंट मैं आपको यहां हाईलाइट करूंगा जो इन सब से अलग है, बहुत अलग है। मैं आपको अपना एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं। वन ऑफ माय नोन, ही वाज हैविंग अ बाईपास सर्जरी। आपके दो नाम देख लिए होंगे यहां पर स्टूडेंट्स, बाईपास सर्जरी के लिए डॉक्टर बोलता है, एंजियोप्लास्टी बोलता है ना। अब देखिए, मेरे एक बहुत अच्छा नोन था, उनका बाईपास सर्जरी हुआ, तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मैं तो रोज सुबह शहर पे जाता हूं, मैं तो रोज वॉक करता हूं, डॉक्टर साहब मैं पतला भी हूं मोटा भी नहीं हूं, तो ये मुझे क्यों जरूरत पड़ी है वॉल वगैरह, क्या मुझे क्या जरूरत पड़ी है अचानक? अब सुनिए डॉक्टर के क्या वर्डिंग्स थे। डॉक्टर ने बोला, आपको गुस्सा कितना आता है? वो कहता, सर मुझे गुस्सा तो बहुत आता है, जब आता है तो यही प्रॉब्लम है। तो देखो, मैंने आपको जो कुछ भी समझाया उसका एक अदर रूप अगर आप ये देखें, अंटिल अनलेस यू आर हैविंग गुड स्माइलिंग फेस एट ऑल, इवन इफ यू आर नॉट लाफिंग एट ऑल, एक छोटा बच्चा 3 साल का दिन में 300-250 बार हंसता है, कभी नोटिस करना, आप 15 बार भी नहीं हंसते, हमेशा सीरियस रहते हैं, तो लाइफ को एंजॉय भी करना जरूरी है। रीजन, हार्ट हमारा इस पे नहीं डिपेंडेंट कि हम वॉक कितनी कर रहे हैं, फिर से सुन लीजिए, हमारे चेहरे पे खुशी कितनी रहती है, हम स्माइल कितना करते हैं, हम हंसते कितना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और गुस्सा हार्ट के लिए बहुत हार्मफुल होता है, आप चेक कर लीजिएगा चाहे तो। स्टूडेंट्स, आई होप आपने एंजॉयमेंट के अंदर ये सब टॉपिक सीख लिए मुझसे। अब ये ब्लॉकेज एटलीस्ट आप अपनी बॉडी में तो नहीं होने देंगे, इवन आप अपने पेशेंट्स जो भी आप डॉक्टर्स वगैरह से मिलते हैं आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, इवन अदर देन दैट सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ऑलरेडी समझा चुके थे, हमने उसको करेक्शन कर दिया है। होप आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि ब्लड कैसे जाता है, अगर आप कहें तो सर रिवाइज कर दीजिए, बिल्कुल हम आपके लिए तैयार है। सुपीरियर वगैरह इंफीरियर वगैरह, डीऑक्सीडेंट ब्लड को लेकर आती है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, किसके थ्रू? बाइकस्पाइड वॉल के थ्रू। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद पल्मोनरी आर्टरी, सुन लीजिए, अपवाद है, इसीलिए इसमें डीऑक्सीडेंट ब्लड है, वरना आर्टरीज ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड, यहां पर इम्प्योर ब्लड आकर लंग्स में आता है, लंग्स इसको प्योरीफाई करता है। अब पल्मोनरी वेन फिर से अपवाद है, इसलिए क्या कैरी करेगी? प्योर ब्लड, और ले आएगी इसको लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू? ट्राइकस्पाइड वॉल के थ्रू, और यहां से ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जाता है। यहां पर मैंने आपको समझाया था कि हार्ट को भी जरूरत है ब्लड की, कौन देता है? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी आर ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू योर हार्ट। चार तरह की कोरोनरी आर्टरी मैंने आपसे डिस्कस करी थी, नेम आपके सामने है, राइट, लेफ्ट,
राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये चारों क्या काम करती है मैंने आपको बता दिया, कहां प्रॉब्लम आती है बॉडी के अंदर ये भी बता दिया, और डॉक्टर्स इन डिजीजेस का इलाज करते हुए खूब ज्यादा अर्निंग करते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में अगर हम काम कर रहे हैं नो डाउट हमें दवाई बेचनी है, पर एटलीस्ट आप अपने शरीर का तो ध्यान रख सकते हैं और इस डिसऑर्डर से बच सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन अगर आपको अच्छी लगी वेल एंड गुड, मुझे जरूर थैंक्स दीजिएगा, और अगर आपको कुछ कमी लगी तो प्लीज नोट डाउन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर ये भी बता दीजिए। स्टूडेंट्स हमने आपको अभी तक 1100 अबो वीडियोस दे रखे और एमआर के तो मैंने आपको इतने वीडियोस दिए हैं कि आप अगर सीखना चाहें बिल्कुल घर पे बैठ के हमसे सीख सकते हैं। अदर देन दैट यू आर वेलकम हियर फॉर 7 डेज प्रैक्टिसेस, यू कैन अवेल दिस कोर्सेज ऑन टेलीफोन कोर्सेज, यू कैन अवेल अवर बुक्स एंड एंजॉय। सो आई होप यू लव दिस चैनल, थैंक यू, लव यू।